श्री गुरुवे नमः नमस्कार। मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेके आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे एंजाइटिस के बारे में। और एंजाइटिस के लिए वो कौन सी राशि है, तो वो कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों को जिनको एंजाइटिस हो जाता है और वो काफी परेशान रहते हैं, मतलब यूं कहें कि इतना अत्यधिक नेगेटिव हो जाते हैं जिससे कि वो कुछ जैसे छात्रों में हो जाए तो वो उनको याद आते हुए भी चीजों को वो नहीं बता पाते, वो परीक्षा से पहले बीमार हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है। व्यावसायिक वर्ग में भी ऐसा पाया जाता है, एंजाइटिस के कारण आदमी काफी नेगेटिव हो जाता है और कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करने लगता है, वो फिर कुछ नया नहीं कर पाता है, परेशान। आज उसका निदान लेके आया हूं। और इस एंजाइटिस कर्क राशि वाले जातकों का यदि आप उपचार करेंगे तो एंजाइटिस निश्चित तौर पर आपका दूर हो जाएगा, यानी आपके निगेटिवनेस निगेटिव थिंकिंग सब दूर हो जाएगी आपसे। तो हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों को। सबसे पहले जो स्नान करते वक्त आप जब जाए तो स्नान करने के क्रम में आप जो जल का प्रयोग कर रहे हैं उस जल में आप सफेद चंदन का उस जल में प्रयोग डाल दें और सफेद चंदन को डालकर उस जल से आप स्नान करें, फिर आप सामान्य जल से स्नान कर लें। आप स्नान करने के उपरांत आप शिवलिंग आसपास यदि शिवालय हो तो शिवालय जाएं, या घर में चार उंगली से छोटा शिवलिंग ले आए, चार उंगलियों से छोटा स्फटिक का शिवलिंग ले आए और उन्हें जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। शिव की आराधना करनी है, शिव के आराधना करने से, और प्रत्येक दिन दूध थोड़ा चढ़ाना है। शिव को भोग दूध और गुड़ का लगाएं। या पंचामृत लगा सकते हैं भोग तो बहुत उत्तम है। दूध दान करें, सोमवार के सोमवार यह बना लें, प्रत्येक सोमवार को आप दूध दान करेंगे। जो भी निडी व्यक्ति है, छोटा बच्चा यदि आपके आसपास रह रहा हो या फिर कोई बीमार व्यक्ति रह रहा हो तो उसे दूध उसके घर दूध दान करें, या उसके कुछ आप दूध वाले को कह दें कि भाई आप उसको इतने समय तक दूध पिलाना। आपको दूध दान करना है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। साथ ही साथ आपको प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा को चांदी के पात्र में भोग लगाना है, खीर का। जी हां, खीर का भोग प्रत्येक रात्रि में चंद्रमा को लगाना है और भोग लगाए हुए खीर को ग्रहण करना है। आपको चांदी धारण भी करना है। कर्क राशि वाले जातक जिन्हें एंजाइटिस है वो निश्चित तौर पर चांदी धारण करें, चांदी के पात्र में जल पीवें। यदि पात्र लेना आपके लिए मान लीजिए संभव नहीं तो चांदी का छोटा सा टुकड़ा ले आए और आप जहां आपका जलाशय जैसे घड़ा है या आयु वाला का स्टोरेज जहां जल होता है उस जल में उस टुकड़े को डाल दें और फिर उससे जल निकाल निकाल कर पीते रहे। इसके प्रभाव से आप देखेंगे कि आपका एंजाइटिस समाप्त होने लगेगा। और वो एक मंत्र है, इसका प्रत्येक रात्रि में सोने से पहले इसका जाप करना है। आप जो बिस्तर पर सोते हैं उस बिस्तर पर सफेद चादर हो या बहुत अधिक चमाचम वाला नहीं, हल्का लाइट का चादर हो चलेगा। बैठकर मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आपको प्रत्येक दिन जाप करना है रात्रि में। आप यदि इन उपचारों को करेंगे तो इन उपचारों के प्रभाव से देखेंगे कि आपका एंजाइटिस दूर हो जाएगा, यानी आप निगेटिवनेस से दूर हो जाइएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपका
आप जो याद कर रहे हो मेमोरी में रहेगा, जो आप काम कर रहे हैं आपको पॉजिटिव लगेगा, आप कुछ नया काम करेंगे और आपको मतलब पहले से कार्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, आत्मबल बढ़ जाएगा। तो हमने जो उपचार बताए हैं, स्नान में श्वेत चंदन का प्रयोग करना, भगवान शंकर को जल तथा दूध चढ़ाना, सोमवार के सोमवार दूध दान करना, बच्चे या रोगियों को दूध दान करना, रात्रि में चंद्रमा को खीर का भोग लगाना, चांदी के पात्र में भोजन करना, जल पीना या चांदी के टुकड़े को जल का जो जहां समूह है उसमें डाल के जल ग्रहण करना और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना। इसके प्रभाव से आपका एंजाइटिस एकदम दूर हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जो उपचार बताया वो आप करेंगे और निश्चित तौर पर आपका एंजाइटिस ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमः पार्वती पते, नमस्कार।